सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं फौजी सोहन चौधरी एसएस फिजिकल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो खास करके मैं उन मेरे भाइयों के लिए बना रहा हूं जो क्या हाई जंप की तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बावजूद भी क्या है उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं होने की वजह से क्या है उनका हाई जंप जल्दी से इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो दोस्तों हाई जंप का आज मैं छोटा सा एक नियम बताऊंगा आपको, अगर इसको आप फॉलो करोगे 100% दोस्तों 4 साढ़े 4 फुट आप आसानी से कहीं भी आप कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जिस भी एरिया में अगर आप हाई जंप करें तो सबसे पहले आपका शरीर क्या होना चाहिए, बिल्कुल वार्म अप होना चाहिए, आपका शरीर गर्म होना चाहिए, आपका पूरा पसीने शरीर के अंदर निकले हुए होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा ड्राई प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से अगर आपका पैर आप इतना उठाना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपका ये पैर इतना ऊंचा आना शुरू हो जाएगा, दोनों पैरों से आपको ये वाली प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जिस दिन आपका पैर यहां तक आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये रनवे बोलते हैं जिसको, ये 15 से 20 मीटर का होता है, इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्ट पीछे से बाहर नहीं आना है, आपको ये धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ना है इसको। ये जो गैप है इसको क्या करना है आपको, जैसे पहले 5 मीटर से आए, उसके बाद में 7 मीटर से आए, उसके बाद में डेली कितना प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सामने से डायरेक्ट आके ही जंप करोगे, आप जंप के लिए दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े भी आप बाहर के आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारे एकेडमी का तो अभी हमने करीब करीब 1 महीना हो गया, ये लड़का को टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहा है कहीं पे स्टेट का, इसका 4 और साढ़े 4 फीट तक का हमने इसको कराया है, अभी इसका 4 फीट का नॉर्मल जंप देखते हैं। चलो शाबाश, क्या बच्चा बहुत बढ़िया, ये देखो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल 5 से 7 कदम लेने के बाद में ये लड़का एक्यूरेट 4 फीट इसने जंप लगाया है। अगर आपको यकीन नहीं तो दोस्तों मैं आपको फित्ते से माप के भी दिखाएंगे, फित्ता कहाँ बचे। इसको खोलना, दोस्तों आप खुद देख सकते हो, कैमरा मैन को बताऊंगा थोड़ा सा नदी करके जूम करके दिखाएगा, ये एक्यूरेट कितना है, 4 फुट 1 इंच है। अभी दोस्तों यहीं से ये लड़का क्या करेगा, 4.5 की एक ट्राई और मारेगा। दोस्तों फिर मैं बताऊं, आप जब भी जंप करते हो आपके जो आगे का एरिया है वो बिल्कुल मिट्टी आपकी क्या है, खुदी हुई होनी चाहिए। अगर बालू मिट्टी है तो आप इसके अंदर ऐसे भी लगा सकते हो, अगर बालू मिट्टी नहीं है आपके पास में तो यहाँ पर क्या है, छोटा मोटा एक गद्दा होना चाहिए। अगर गद्दा नहीं है तो इस रेत को आपको क्या बढ़िया तरीके से गोज के खोद के तैयार करके उसके बाद में आपको ट्राई करनी है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो ये 4.5 प्लस है, अभी इसकी एक ट्राई लड़का और मारेगा। हाँ शाबाश बच्चे, आजा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो अगर आपका इस प्रकार से बैलेंस बिगड़ता है तो आपको कोई बात नहीं, अगला जहां पर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो आप अगर इस लाइन को पार नहीं करोगे तो आपका क्या फाउल नहीं माना जाएगा। हाँ शाबाश, नेक्स्ट ट्राई और एक बार, कोशिश करने से सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन आप कंटिन्यू कोशिश करोगे 100 नहीं 101% आप जंप कर सकते हो। वेरी गुड, ताली बजाओ। दोस्तों इस लड़के ने बराबर 4.5 फीट आपके सामने अभी जंप करके दिखाया है। इस प्रकार से दोस्तों इधर आओ बच्चे, इधर खड़ा हो दोस्तों, ये 4.5 फीट है, 4.5 फीट का इस लड़के ने बराबर जंप किया है। इस प्रकार से अगर आप भी मेहनत करोगे 100% दोस्तों आप बढ़िया कम समय के अंदर बढ़िया हाई जंप आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगले वीडियो के अंदर एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।